हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी नवंबर मंथ की फर्दर एनर्जीज के हवाले से रीडिंग है, लाइक मिड नवंबर रीडिंग, एंड दिस विल बी अ जनरल रीडिंग। इट मे रेजोनेट्स यू और मे नॉट। प्लीज टेक दिस मैसेजेस व्हाट रेजोनेट्स यू, और लाइक ये एक जनरल रीडिंग होगी। अगर आपसे रेजोनेट करे, जितनी आपसे रेजोनेट करे आप नीने, और बाकी जो भी एनर्जी है जो आपसे रेजोनेट नहीं करती है उसको आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं फर्दर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर के लिए फॉर द साइन ऑफ एरीज। बी विद मी टिल द एंड बिकॉज मैं चक्रा विजडम ओरेकल डेक से भी कुछ कार्ड्स लूँगी आपके लिए, और मोनोलॉजी डेक से भी कुछ कार्ड्स आपके लिए लूँगी। इन द एंड में ओरेकल मैसेजेस भी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं एरीज साइन के लिए मिड ऑफ द मंथ में। ओके, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द एनर्जीज, फर्दर मैसेजेस फॉर एरीज। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए है टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर कुछ एंडिंग्स वाली एनर्जी है, एंडिंग्स हो रही हैं। बहुत ज़्यादा टायर्डनेस आपको फील हो सकती है, आप लाइक आपकी कम्युनिकेशन में कुछ थोड़ा सा हर्डल्स तो नहीं, बट लाइक कम्युनिकेशन आपकी उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी, या फिर आपकी आपके पार्टनर से अगर आप बात आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो हो सकता है कुछ ऐसी फाइट क्रिएट हो सकती है। आपको कम्युनिकेट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़े। सो इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ़ रखना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप मेडिटेशंस करें। और ये आपके लिए मेडिटेशन का कार्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आप लोगों में ब्रेकअप सिचुएशन है तो आपको कम्युनिकेशन का मौका मिल सकता है उस पर्सन से, लेकिन वो कम्युनिकेशन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। जस्ट हेलो हाय और फिर से वही बातें और एंड ऑफ द कम्युनिकेशन, और उसके बाद आप वेटिंग पीरियड पे ही रहेंगे कि और दोबारा से कम्युनिकेशन थोड़ी जैसे ब्लॉक एनर्जी, लाइक अभी सिचुएशन ऐसी है या पास में ऐसी रही हो कि थोड़ी बहुत आप लोगों की बात होती है, लाइक कम्युनिकेशन एकदम से ब्लॉक नहीं है, लेकिन आपको अपनी कम्युनिकेशन पे तवज्जो देनी होगी कि वो ब्लॉक भी हो सकती है, लाइक कम्युनिकेशन एकदम से ब्लॉक भी हो सकती है। इसके लिए आपको हर चीज़ को सोच समझ के उसका फ़ैसला लेना चाहिए, ठीक है, या फिर आपको वेट करना चाहिए कि वेटिंग आपके लिए है। यू हैव टू मेड योर माइंड, आपको अपना माइंड बनाना है कि आपको कैसे सिचुएशन को लेकर चलना है। यू नीड टू डिसाइड हियर, ओके, यहाँ पे एक फ़ैसला लेने का टाइम है, उस फैसले के लिए आपको अपना टाइम चाहिए। लाइक एंडिंग्स की तरफ जा रहा है कोई सिचुएशन या कोई रिलेशनशिप है जो एंडिंग्स की तरफ जा रही है, वो पेनफुल एंडिंग भी हो सकती है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, लेकिन अब आप एक नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना है, और यहाँ पर कम्युनिकेशन होगी लेकिन फिर ब्लॉकेज भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको अपने माइंड को माइंड में डिसाइड करना है कि क्या चीज़ आपको कैसे इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए। यस, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है यहाँ पर, अमेंडमेंट्स। लाइक अगर बात करते हैं आप, अगर बात करना चाहते हैं तो कन्फ्रंटेशन मत करें, लाइक सवालों के जवाब हासिल करने वाली सिचुएशन जो होती है ना, वो मत करें, अमेंडमेंट की तरफ जाएं, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ पे वर्क करें। आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या चूज़ करना है, ठीक है, या अगर आप इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं तो आपको उसमें वर्कआउट करना है। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो पहले आपको उन चीज़ों को रिजॉल्व करना होगा जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, उसको ठीक करना है। अगर आपके पार्टनर को इस ठीक करने की ज़रूरत है तो वो आप उनको रियलाइज़ करवाएं कि
कि किसकी गलती है, ठीक है? अगर आपकी अपनी गलती है तो आप इसको अमेंड करें, तो ही ये रिलेशनशिप की जो है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ सकता है, और यहाँ पर जो है वो मूवमेंट फॉरवर्ड मुझे नज़र आ रही है। या तो आप कम्प्लीटली एंडिंग कर देंगे इस रिलेशनशिप की, या जो भी सिचुएशन चल रही है, ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप हो, आपका वर्क सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको किसी चीज़ में एंडिंग चाहिए, तो आप एंडिंग कर लेंगे और अपने ऊपर वर्कआउट करेंगे, अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपने अपने आप को मूव फॉरवर्ड कराने के ऊपर के आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जस्ट आप एक रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, सम काइंड ऑफ विक्ट्री यू आर हैविंग हियर। जो चीज़ें फॉल्स बेसिस पे बिल्ड हुई हुई थी वो ख़त्म हो जाएंगी, और अगर फॉल्स बेसिस पर नहीं है, लाइक जो चीज़ें फेक नहीं है आपके रिलेशनशिप, अगर फेक रिलेशनशिप था शुरू से ही तो वो ख़त्म हो सकता है, और अगर फेक नहीं था तो उसमें कुछ फीलिंग्स थी, कुछ जेन्युइन फीलिंग्स थी, तो वो रिलेशनशिप जो है वो बहुत थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स के बाद आगे बढ़ सकता है। ओके, सो यहाँ पर आपकी फीलिंग्स का जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस मैसेज केम टू मी। ओके, सो देखते हैं कि वज्रम चक्र ओरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर योर सिचुएशन एरीज। कम्युनिकेशन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ओके, जॉय, जैसे कि आप अपनी अबंडेंट पे वर्कआउट करें तो आपको जॉय लाना है, लाइक अपनी जॉय फील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। इम्पास, या यहाँ पे एक सिचुएशन ये है कि आप एंड रिलीज, लाइक आपको लगता है कि आप एक बंद गली में हैं, लाइक आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, आपको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, बट यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप रिलीज़ करें पास की सिचुएशन को, जो मैंने कहा कि लेट गो करें, एंड करें। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, अगर अपने माइंड को आपको क्लियर करना है तो अपने माइंड को क्लियर करें, लेट गो करें, उसके बाद ही आप जो है आगे बढ़ सकते हैं इस रिलेशनशिप में। क्लियर एनर्जी करनी है, अमेंडमेंट्स करनी है, डिसीजंस आपको लेने हैं। डिसीजंस लेने के लिए आपको जितना टाइम चाहिए वो आप ले सकते हैं सोचने के लिए, और सोचने के लिए आपको अपने माइंड को मेडिटेट करके रखना ज़रूरी है। अपने मेडिटेशंस करें, क्लियर करें अपने माइंड को, और देखें कि आपको क्या मैसेज डिवाइन की तरफ से, आपके इंट्यूशंस आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, उसके बाद ही आप कोई फैसला अपने लिए करें। क्योंकि यहाँ पर मुझे डिसीजन मेकिंग नज़र आ रही है, और कुछ लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग ये हो सकती है कि वो अमेंडमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। अमेंडमेंट्स आपके लिए मोनोलॉजी से भी एक मैसेज यही है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आपकी आपको अमेंडमेंट करनी है तो आप फर्स्ट मूव करें, बी बोल्ड हो जाएं, लाइक बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। तो ये आपके लिए मैसेज है एरीज। ओके, सो अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट मूव लेते हैं तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे विक्ट्री है, आपके लिए सिक्स ऑफ वॉन का भी कार्ड था, जैसे मैंने कहा कि अंडरनीथ द डेक आपके लिए सिक्स ऑफ वॉन है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो विन विन सिचुएशन हो सकती है आपके लिए। अगर आप मूव ऑन, लाइक मूव ऑन करने के बजाय आप एक डिसीजन लें, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है इस रिलेशनशिप में, अगर आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। सो That was your reading, Aries. If it resonates you, please help me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.